नमस्कार। अगर आप किताबों का शौक रखते हैं तो चले आइए सेक्टर 15 चंडीगढ़ लाला लाजपत राय भवन में लॉक द बॉक्स नाम से किताबों का मेला लगा हुआ है, जहां पर आपको हर तरह की किताबें मिल जाएंगी। तो आइए इस मेले की कुछ झलकियां आपके रूबरू करते हैं। क्या कहा यहाँ पर आए हुए लोगों ने, आइए सुनते हैं। Actually, this is my first visit and books are very much fine here. I'm specifically searching for military related books. So, although I have read some of Robin Sharma's, so that is my one of the favorite author. And I love that part ki it's near around me, something like a book fair or something related stuff. आपका नाम जी? भावना। आप इनके साथ में ही हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आप भी यहाँ पर बुक्स लेने आई है या जस्ट कंपनी देने के लिए? जस्ट इनको लेने और लेके आने वाली मैं ही हूँ यहाँ पे। अच्छा, मतलब आपको शौक है, आपको शौक है किताबों का। हाँ। तो आप कुछ बताइए किताबों के बारे में या बुक्स के बारे में या यहाँ के बारे में, आपको कैसा लगा? जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी ना, एक्चुअली जब भी मैं बुक्स को देखती हूँ ना, आई एम जस्ट सो अमेज ना कि आई वांट टू रीड एवरी सिंगल बुक हियर ना। एंड अनदर थिंग इज आई लाइक टू रीड फिक्शनल बुक्स। देखिए, आपको आज यहाँ पर हम कुल्लू फेस्ट देखने आए थे, लेकिन हमें यहाँ किताबों को चाहने वाले भी मिल गए, किताबों से प्यार करने वाले मिल गए चंडीगढ़ में। आपका नाम? राजवंश। राजवंश, आप यहाँ पर ये बुक फेयर में आए हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। मैं बुक्स मुझे पढ़नी बहुत अच्छी लगती है, तो आज मैं बुक्स में अपने फ्रेंड्स के साथ आया हूँ और हमें बुक्स देख रहे थे और हमें कई बुक्स अच्छी लगी है। मैंने एक अभी ये लिया है, इयान मैकेवन की ऑन चेसल बीच। सो अच्छा, यहाँ पे बहुत बुक्स हैं, जिनको बुक्स पढ़ने का शौक है तो उनके लिए बहुत अच्छी जगह। आप स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल? हाँ जी, स्टूडेंट। कहाँ पढ़ते हैं जी आप? एसडी कॉलेज। तो आप चंडीगढ़ के रहने वाले हैं? हाँ जी, चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। तो इस बुक फेयर के बारे में आप चंडीगढ़ वालों को या स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर आइए, बुक्स पढ़िए। बुक्स वैसे ही पढ़ने से आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होती है और को और नई नॉलेज मिलती है। सो डेफिनेटली कम हियर एंड गेट सम बुक्स एंड रीड देम। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। नमस्कार जी, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम अक्षय सर और मैं बुकचोर का एम्प्लॉय हूँ जी। अक्षय, ये जो लॉक द बुक, ये नाम से ही अजीब सा लगता है कि मतलब लॉक द बुक, तो ये क्या है, कुछ बताइए इसके बारे में। सर, लॉक द बॉक्स एक कंसेप्ट अलग से है, मतलब ये बॉक्सेस हैं हमारे पास तीन, तो इन बॉक्सेस के ही प्राइस हैं यहाँ पे। आपको मतलब जो आप यहाँ से बुक्स ले रहे हैं, आप उन सभी बुक्स का एक टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं। इट्स मीन इनके प्राइजेज़ हैं, ये 3000 का है, 2999 का, ये 1800 का है और ये 1200 का है, 1200 का। तो आप ये बॉक्स लेके उसमें कितनी बुक्स भरी अंदर से, बस कंडीशन ये है कि बॉक्स बंद होना चाहिए, बस ये सिस्टम है सर। और यहाँ पे आपको चिल्ड्रन बुक्स, नॉवल्स में नॉन फिक्शन क्लासिक्स, फिक्शंस बुक्स और जितने भी जॉनर्स हैं और वो सभी मिल जाता है आपको। साथ में टीन फिक्शन, कॉफिटेबल्स, इंसाइक्लोपीडियाज, ये सब मिल जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर हम देख रहे थे यहाँ पे कुछ ये डंप वी बाय सेल योर बुक्स, तो मतलब कोई भी आकर के अपनी ये क्या है, मतलब क्या कहना चाहते हैं मतलब इसमें? मीन सर, आप यहाँ पे अपनी जो बुक्स हैं आपके पास वो सेल कर सकते हैं, डंप कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे टेम्प्रेरी रहता है, तो आप डंप इंस्टॉल कर सकते हैं फ़ोन में, उससे आप सेल कर सकते हैं बुक्स। अच्छा, यानी कि आपका ये जो फेस्ट ख़त्म होगा 4 दिसंबर तक आप यहाँ पर हैं, उसके बाद ये ऐप डाउनलोड करके इस पर भी हम इस पर भी कोई भी कुछ भी मंगा सकता है ना। तो ये और ये बुक चोर, आपने टी शर्ट पे बुक चोर लिखा हुआ है, ये बुक चोर सर, इससे ये आपको ऐप मिल जाएगा, उससे आप इंडिविजुअल बुक बाय कर सकते हैं। जैसे लॉक द बॉक्स भी है, एक लॉक द बॉक्स ऑनलाइन भी है, तो वहाँ से भी आप बुक जो बॉक्सेस हैं ये ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
इस मेले में आपको हर तरह की और हर उम्र के हर वर्ग के लिए किताबें मिल सकती हैं। यहाँ पर रोमांस, फैंटेसी, फिक्शन, नॉन फिक्शन, क्राइम और बच्चों के लिए चिल्ड्रन बुक जैसी किताबें भी उपलब्ध हैं। ये बुक फेस्ट जो कि एक महीने के लिए लगा हुआ था, पिछले 4 नवंबर से आने वाले 4 दिसंबर तक ही रहेगा। तो अगर अभी तक आपने इस मेले में विजिट नहीं किया है तो अभी भी यहाँ पर आ करके आप अपने मनपसंद की किताब की खरीदारी कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की चंडीगढ़ ट्राई सिटी से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल चंडीगढ़ टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।